सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और गाइस मैं आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और ये बैंक डिटेल के ऊपर वीडियो होने वाली है कि यहाँ पे कौन कौन सा बैंक अभी काम कर रहा है और कौन कौन सा बंद हो चुका है, क्योंकि रशिया के अंदर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और स्विफ्ट कोड ये सब कुछ बंद हो चुका है। तो ये वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं कि अभी पैसे कैसे भेजें, क्योंकि यहाँ पे सब बंद हो चुका है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी कुछ पैसा बचा नहीं है या फिर किसी को पैसे की ज़रूरत है। तो सब के बारे में आज मैं इसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना चाहिए और वो क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो गाइस पहले तो बता दूँ कि जो भी अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके कारण अभी वीज़ा और मास्टर कार्ड और स्विफ्ट कोड ही बंद हो चुका है। स्विफ्ट कोड बहुत पहले बंद हो चुका था, बट वीज़ा और मास्टर कार्ड अभी रिसेंटली 10 मार्च को बंद हो गया है। और कुछ बैंक थे जैसे टिंकॉफ है और उसके अंदर अच्छा मतलब कुछ कमीशन नहीं मिल के अच्छा पैसा कन्वर्ट हो रहा था, मिल रहा था, बट वो भी 10 मार्च को बंद हो चुका है। और उसके अलावा अभी पैसे भेजने का एक तरीका है कि आप वेस्टर्न यूनियन से पैसा भेज सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन इंडिया में बहुत कम सिटी में अवेलेबल है, बट एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उनके उसके ज़रिए यहाँ पैसा भेज सकते हैं, बट वो 28 मार्च तक ही चलने वाला है रशिया में। वेस्टर्न यूनियन भी बंद हो जाएगा। उसके बाद में दो और बैंक है जिसके बारे में मैंने अभी यूनिवर्सिटी से पूछा, वो अभी तो काम कर रही है, वो कल बंद हो जाए तो उसका अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तो उसका स्विफ्ट कोड काम कर रहा है। उस दो बैंक के नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक तो फ्रेंच बैंक है और एक अरब की बैंक है कोई, दोनों बैंक का काम कर रहा है अभी। और उसके अंदर काम करने के लिए पहले स्टूडेंट को जाना होगा उन बैंक में, उसका एड्रेस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उन बैंक पे जाके अपना अकाउंट ओपन करें और अकाउंट ओपन करने के बाद जो स्विफ्ट कोड आएगा उसको अपने घर पे भेजें और वो आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह आपको पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बट वो कब तक काम करेगा इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं उसके इन्फॉर्मेशन दूंगा ज़रूर से ज़रूर, बट अभी तो ये है कि अभी तक काम कर रहा है, कब बंद होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। बट दूसरा बात यह है कि इंडिया से रुपए शायद रशिया में जल्द आने को मिल सकता है। अगर रुपए आ जाता है तो इंडियंस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रुपए से यहाँ पे अपन पैसा निकाल सकते हैं। प्लस यूनियन पे जो रशिया का है, सॉरी चाइना का है यूनियन पे, वो ऑलरेडी रशिया में है और इंडिया में भी यूनियन पे है, तो उसके थ्रू भी अपन पैसे यहाँ पे ले सकते हैं। अगर किसी के पास कार्ड है यूनियन पे का तो अब यहाँ पे वो आराम से निकाल सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर नहीं है तो आप जाके बैंक HDFC या कोई भी एक्सिस बैंक उनमें जाके बोले, वो आपको यूनियन पे का कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। और उसके कार्ड को लेने के बाद में आप यहाँ पे मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी तो यूनियन पे यहाँ चल रहा है और रुपए आ सकता है, अभी साइन हुआ है डॉक्यूमेंट, रुपए वालों ने साइन करा है रशिया के साथ। देखते हैं कब तक आने का देखते मिलता है यहाँ पर, बट शायद रुपए रशिया में आ सकता है अभी। पेरेंट्स को मैं बस इतना कहूँगा कि आप बिल्कुल टेंशन मत ले, जैसा भी होगा रशिया उसका सोल्यूशन निकाल लेगा। यूनिवर्सिटी भी इसके ऊपर काम कर रही है और ये अभी 10 तारीख को बंद हुआ है तो इनको थोड़ा टाइम लगता है इसका फिगर आउट करने के, बाकी ये बता देंगे बाद में। अभी तक तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बताइए इन्होंने, जैसे ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए ये है कि सारे बैंक बंद है, सब कुछ वीज़ा मास्टर कार्ड बंद है। ओनली जो दो बैंक है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नाम डाल दूँगा मैं उनका, और अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपके दोनों बैंक, ये दोनों बैंक अभी चल रहे हैं। और इन बैंक के लिए स्टूडेंट्स को जाके एक बार अपना अकाउंट बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी और सब बैंक अभी बंद हो गए हैं। और बाकी यूनियन के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, इंडिया में यूनियन बैंक के थ्रू आप मतलब यूनियन जो कार्ड है जैसे वीज़ा और मास्टर होता है वैसे यूनियन पे भी होता है जो कि चाइना का है, उसके भी थ्रू यहाँ पर पैसा भेज सकते हैं। कमीशन का कुछ पता नहीं है, कमीशन कितना लगने वाला है, कितना लगेगा, बट अभी जो रेट है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब काफ़ी क्या बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं, उसके इतना कमीशन नहीं लगेगा, बट यही अभी तरीका है कि पैसे कैसे भेज सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी नई न्यूज़ देती है या फिर रशिया में कोई भी नया नई चीज़ आती है तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।